हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ अच्छी हूँ। तो ये संडे का क्लिप था और अभी मैं दोपहर के लिए खाना बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ मेरा पानी गर्म हो चुका था तो इसको मैं अभी चावल डाल रही हूँ। और आज तो संडे है तो बच्चे सब भी घर पर ही है तो थोड़ा जल्दी खाना बना के रेडी रख रही हूँ। और जब बच्चे घर पर रहते हैं ना तो जब बहुत जल्दी वो लोग को भूख लग जाता है। और सबसे पहले मैं यहाँ न्यू सब्सक्राइब को थैंक यू कहना चाहूँगी जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरे वीडियो को भी देखिए और मेरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं हैं। तो प्लीज़ आप लोग एक बार मेरे वीडियो को क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये मेरे वीडियो अच्छे लगे। और यहाँ देखिए, मेरे हस्बैंड गए थे मार्केट और वहाँ से लेकर आए हैं ये मछली। तो ये अच्छे से साफ़ नहीं थे तो इनको मैं अच्छे से साफ़ कर रही थी। और ये फ्रेश फ्रेश मछली था, वो कह रहे थे कि ये अभी जो तुरंत गए थे ना तो तुरंत ही वो लोग मार्केट में मछली को लाया था, तो इसीलिए देखिए वो फ्रेश फ्रेश मछली लेकर आए हैं। तो हम लोग यहाँ बहुत दिन के बाद मछली खाने जा रहे हैं, जब से हम लोग घर खाली किए हैं वहाँ से दूसरा रूम में आ गए हैं ना, तो यहाँ आने के बाद हम लोग मीट मछली खाए नहीं हैं और 1 महीना हो गया है। और 1 महीना के बाद हम लोग देखिए मछली खाने जा रहे हैं। और यहाँ मेरा मछली धोना हो गया है और मछली धोने के बाद मैं इसको अच्छे से मसाला वगैरह देके मैरिनेट करके रखूँगी। और यहाँ मैं मसाला हल्दी दे रही हूँ, मसाला वगैरह नहीं डाल रही हूँ। हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर और नमक इसमें ऐड करूँगी और थोड़ा सा कच्चे सरसों का तेल डालूँगी। और ये जो कच्चे सरसों का तेल डालते हैं ना, ये मेरे मम्मी डाला करती थी तो उसी का ट्रिक से मैं भी डाल रही हूँ आज। इससे डालने से ना मम्मी कहती थी कि मछली सब चिपकती नहीं है, अच्छे से फ्राई हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं इसमें कच्चे सरसों का तेल डाल दिया हूँ। और देखिए यहाँ मेरा मसाला वगैरह मैं डाल दिया तो इसको मैं अच्छे से हाथ से मिला लेती हूँ। और मिलाने के बाद कुछ देर रखने के बाद मैं इसको बनाऊँगी। तो आज जो मेरा बड़ा बेटा है ना, ये मछली बहुत ज़्यादा पसंद करता है तो वो आज बहुत खुश है क्योंकि उनका फेवरेट आया है। और ज़्यादा हम लोग मीट मछली खाते नहीं हैं, बहुत कम ही खाते हैं। अभी तो गर्मी का टाइम है तो ज़्यादा हम लोग ये सब गरम गरम चीज़ नहीं खाते हैं, और ये सब तो गर्म ही होता है और बच्चे लोग का ना बहुत जल्दी पेट भी ख़राब हो जाता है ये सब खाने से। तो अभी हम लोग उतना नहीं लाते हैं गर्मी के टाइम में, तो बस हम लोग हरा सब्ज़ी ही ज़्यादा खाते हैं। तो इसी वजह से देखिए हम लोग 1 महीना हो गया कुछ खाए नहीं, मीट मछली से अभी बहुत दूर थे। तो आज बहुत दिन के बाद हम मछली बनाने जा रहे हैं। तो आप लोग मेरे वीडियो पर बने रहिए और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तुरंत लाया डैम से टोकरी में, फिर हमने देखा कि नहीं छोटा छोटा मछली है, उतना भी छोटा नहीं था, हमने मीडियम साइज का था, 250 ग्राम वैसे मछली था, ज़्यादा नहीं हम देखे कि नहीं, हमने तो छोटा कम भी है ऐसे। आप भूल गया है मोबाइल इसको ना अभी? हाँ, लेकिन हम फ्री में आते-आते ले लेंगे। ठीक है, फ्री में आते-आते फोन ले लेंगे, अभी तो देखना देख लीजिए। चलिए बना लेते हैं अभी मछली। देखिए ये बड़ा मछली नहीं है ना, ये नहीं लगने वाला है। अच्छा आप बनाएंगे? नहीं, मेरा हाथ तो इतना अच्छा नहीं लगता है।
आज घर में अपने से बनाएंगे ना। अच्छा ठीक है, बनाएंगे। कैसा बोलोगे? आज बोलोगे तो आज ही बना के खिलाएंगे। दिख तो रहा है बहुत अच्छे से, हल्का हल्का लाल हुआ है। और हम लोग अक्सर मछली इसी तरह अच्छे से फ्राई करके खाते हैं तो अच्छा लगता है। तो अच्छा लगता है। अगर इसको हम लोग आज हल्का आँच तो कम करते हैं। ये टमाटर मिक्सर किया हुआ, ये दरदरा पीसा लहसुन प्याज और हरा मिर्चा का पेस्ट है। और यहाँ है धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्चा पाउडर, ये सब हम मिलाने वाले हैं। ये पीला सरसों है और अभी हम इसको पीस रहे हैं। तो जब तक आप मछली में सरसों नहीं मिलाएंगे तो मछली अधूरा सा लगता है, इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है मछली में सरसों मिलाना। तो यहाँ हम पीला वाला सरसों को पीस रहे थे और ये मेरा मसाला भून चुका है तो इसको हम ऊपर से ही डाल देते हैं। तो इसमें हम बिना पानी का ही पीसे हैं सरसों को, तो ज़्यादा नहीं मिला रहे हैं, ज़्यादा मिलाने से भी कड़वा लगता है तो थोड़ा सा ही मिला रहे हैं इसमें। और यहाँ मेरा मसाला भी अच्छे से भून चुका है और ये मेरा ग्रेवी भी रेडी है और इसमें हम डाल रहे हैं मछली। तो आप लोग देख सकते हो देसी स्टाइल में मेरा मछली करी रेडी हो चुका है और मैं यहाँ सबके लिए थाली भी परोस के रखी हूँ और हम लोग अभी खाना खाने वाले हैं। तो बच्चे बहुत हड़बड़ा रहे हैं खाने के लिए। तो बस यही था मेरा आज का संडे का स्पेशल ब्लॉग।